हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कम जगह के हिसाब से बनाए गए कुछ स्मार्ट फर्नीचर्स के बारे में, जो कि आने वाले समय में हमारे लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है सोफ़ा कम बेड। नॉर्मली देखने पर आपको ये एक सिंपल सा सोफ़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करके इसे कुछ ही सेकेंड में एक डबल बेड में बदला जा सकता है। इसे एक्सटेंड करते समय इसमें पिलो रखने की भी जगह दी गई है। पिलो रखने के बाद इसमें सपोर्टर को नीचे गिराते ही ये एक डबल बेड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस बेड के दोनों तरफ आपको ड्रॉवर भी मिल जाते हैं, जिसमें आप अपनी ज़रूरत के सामान रख सकते हैं। और इस बेड को फिर से सोफे में बदलने के लिए यही प्रोसेस फिर से रिपीट करनी होगी, और कुछ ही सेकेंड में ये बेड वापस से सोफे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है स्पेस सेविंग चेयर। क्यूब जैसे दिखने वाले इस बॉक्स में दरअसल 5 चेयर छिपी हुई है। जब इसे खोला जाता है तो इसमें से 4 चेयर स्टैंड निकलते हैं, जो कि एक के अंदर एक फिट किए होते हैं। और इस क्यूब के बाहर लगी ये वाइट दीवारें इन सभी चेयर्स के लिए सीट का काम करती है। ये सारी सीट्स एक एक करके इन चेयर्स पर लगा दी जाती है, जिसके बाद ये एक जैसी दिखने वाली 5 चेयर इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इन सभी चेयर्स को वापस से फोल्ड करने के लिए इनकी सीट्स को हटाकर इनके स्टैंड्स को एक एक करके वापस से इनके बॉक्स में डाल दिया जाता है, और इसे वापस से क्यूब बॉक्स बना दिया जाता है। और फोल्ड किए हुए इस क्यूब बॉक्स को भी एक सिंगल सीट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह है क्यूब्रिक कैबिनेट। ये एक कमाल का फर्नीचर आइडिया है। इसमें लकड़ी के 20 बॉक्सेस को एक यूनिक डिज़ाइन में कंबाइन किया गया है, और इसमें 2 हैंडल्स भी दिए गए हैं, जिन्हें मूव करने पर ये सभी बॉक्सेस खुल जाते हैं। इन सभी बॉक्सेस में सामान रखा जा सकता है। आप चाहे तो इस बॉक्स को खुला भी छोड़ सकते हैं या फिर बंद भी कर सकते हैं। इन बॉक्सेस को वापस से बंद करने के लिए इसके दोनों हैंडल्स को पकड़कर मूव कराना होगा, जिसके बाद ये सभी बॉक्सेस एक अलमारी की तरह बंद हो जाते हैं। ये है एक्सपेंडिंग टेबल। ये एक कमाल की टेबल है। इस टेबल को पकड़कर क्लॉकवाइज घुमाने से इसका साइज एक्सटेंड किया जा सकता है, और जब इस टेबल को वापस से छोटा करना होता है तो इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है, जिसके बाद ये टेबल अपने रियल साइज में आ जाती है। इस तरह की टेबल ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स और बार्स में इस्तेमाल की जाती है। ये है स्ट्रेचिंग चेयर। नॉर्मल सी दिखने वाली ये चेयर किसी भी शेप में एक्सटेंड की जा सकती है। इस गजब की दिखने वाली चेयर को कार्डबोर्ड की पतली पतली लेयर से मिलाकर बनाया गया है। इस चेयर को फैलाने के बाद इस पर 5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसे स्ट्रेट या राउंड किसी भी शेप में एडजस्ट किया जा सकता है। इसके स्ट्रेची होने की वजह से घर में जैसा स्पेस अवेलेबल हो इसे वैसे ही फैलाकर रखा जा सकता है। यह है कैबिनेट बेड। एक हाफ अलमारी की जैसे दिखने वाला ये फर्नीचर दरअसल एक डबल बेड है। इसे डबल बेड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर वाले हिस्से को खोला जाता है, और फिर इसके नीचे वाले हिस्से को एक्सटेंड किया जाता है, और फिर इसके बीच वाले हिस्से को खोलकर इसे बेड पर प्लाई की जैसे बिछा दिया जाता है, और फिर इसमें रखे गद्दे इस प्लाई पर रख दिए जाते हैं, जिसके बाद ये डबल बेड पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और वापस से इस बेड को फोल्ड करने के लिए यही प्रोसेस फिर से रिपीट की जाती है, जिससे वापस से ये बेड कुछ ही सेकंड में उसी शेप में आ जाता है। ये है मूवेबल बेड। इस पूरे फर्नीचर में आपको 2 सिंगल बेड और एक टेबल मिलती है। ये तीनों चीज़ें सेपरेट मूवेबल हैं। टेबल पर आप अपना वर्क कर सकते हैं, और इसे फोल्ड करके सोने के लिए इसके नीचे से एक सिंगल बेड निकाल सकते हैं, और ऊपर वाले बेड पर जाने के लिए इसमें स्टेयर्स भी दी गई है। इस फर्नीचर की सबसे खास बात यह है कि इस पूरे फर्नीचर को इजीली मूव किया जा सकता है, जिस वजह से इसके नीचे और आसपास की सफाई काफ़ी आसानी से की जा सकती है। यह है स्मार्ट बेंच। इस बेंच को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नॉर्मल से दिखने वाली इस बेंच को पकड़कर इसमें से एक और टेबल और एक बेंच निकाली जा सकती है। इस तरह के स्मार्ट बेंच आइडिया से काफ़ी जगह की बचत की जा सकती है, और जगह और ज़रूरत के हिसाब से इसे फोल्ड और अनफोल्ड करके भी रख सकते हैं। ये है इटालियन सोफ़ा बंक बेड। इस नॉर्मल से दिखने वाले इटालियन सोफे में छिपे हैं 3 सिंगल बेड, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसमें से पहला सिंगल बेड निकलता है इस सोफे के नीचे वाले हिस्से से, और दूसरा सिंगल बेड निकलता है इसके पीछे वाले सपोर्टर से, जिसे इसके पिलो को हटाकर निकाला जाता है और ये ऊपर की तरफ लगा दिया जाता है, और तीसरा जो बेड होता है वो खुद ये सोफ़ा बन जाता है। इस तरह से ये 3 सिंगल बेड इस सोफे में छुपे होते हैं। अगर आप चाहें तो इसके नीचे वाले 2 सिंगल बेड को मिलाकर एक डबल बेड बना सकते हैं। यह है लुडोविको ऑफिस। वीडियो में दिख रहा यह छोटा सा फर्नीचर एक माइक्रो ऑफिस है। इसमें से एक चेयर और एक टेबल निकाली जा सकती है,
जिस पर बैठकर आप अपनी स्टडी या ऑफिस का काम कर सकते हैं। आई थिंक फ्लैट्स में स्पेस सेविंग का यह एक शानदार आइडिया हो सकता है। काम लेने के बाद इस टेबल और कुर्सी को फिर से इसमें फिट किया जा सकता है। यह है सीलिंग ड्रॉप बेड। ये स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट सबसे हटके है। इसमें बेड को सीलिंग से होल्ड करवाकर रखा जाता है और इसे नीचे से ऊपर लाने ले जाने के लिए रिमोट का इस्तेमाल किया जाता है। इस बेड को चार बेल्ट्स के थ्रू बांधा गया है जो कि इसे नीचे लाने और ले जाने का काम करते हैं। बेड्स के अलावा इसमें सीलिंग पर कुछ कंटेनर भी होल्ड करवाए जा सकते हैं जिनमें ज़रूरत का सामान रखकर ऊपर ले जाया जा सकता है और ज़रूरत के समय इन्हें नीचे रिमोटली लाया जा सकता है। ये है ओपन अप टेबल। इस टेबल का कॉन्सेप्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। इसमें जगह बचाने के लिए टेबल्स को दीवार से अटैच किया गया है। जब इन टेबल्स को यूज में लाना होता है तो इन्हें दीवार से उतारकर फर्श पर लगा दिया जाता है और काम न आने की स्थिति में इन टेबल्स को फिर से दीवार पर फोल्ड करके लगा दिया जाता है। इस तरह के फर्नीचर घर की जगह तो बचाते ही हैं, साथ ही ये घर की खूबसूरती बढ़ाने का काम भी करते हैं। ये है सिंगल स्लीपर सोफ़ा। ये भी एक ज़बरदस्त स्पेस सेविंग आइडिया है। इस सोफे पर बैठने के साथ ही इसे एक्सटेंड करके इस पर सोया भी जा सकता है। इसे सोफे से बेड बनाने का सारा सामान इसी में दिया गया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस सोफे को एक्सटेंड करते हुए इसे एक आरामदायक सिंगल बेड में बदला जा सकता है। इस सोफे का इस्तेमाल दिन में बैठने के लिए और रात को सोने के लिए किया जा सकता है। यह है सीलिंग माउंटेड लैडर। इस तरह की सीढ़ियाँ आपने पहली बार देखी होगी। इसमें सीढ़ियों को छत पर ही फोल्ड करके रख दिया जाता है और ज़रूरत के समय इन सीढ़ियों को निकाल कर इन्हें अनफोल्ड करके इस्तेमाल किया जाता है। इन सीढ़ियों को अनफोल्ड करके इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है और इस्तेमाल के बाद इन सीढ़ियों को फिर से फोल्ड करके छत पर रख दिया जाता है। कम जगह वाले घरों के लिए इसी तरह का एक और आइडिया है फोल्डिंग स्टेयर्स का। इन स्टेयर केस को ज़रूरत के समय खोला जा सकता है और जब इनकी ज़रूरत ना हो तो इसे वापस से दीवार पर होल्ड करवा दिया जाता है। ऐसा करके छोटे घरों में काफ़ी हद तक जगह की कमी से निजात पाई जा सकती है। यह है बेड चिल। आज के टाइम पर कोई भी व्यक्ति अपने बेड से उठना ही नहीं चाहता है। लोग अपने खाने पीने और स्टडी से लेकर टीवी देखने तक का सारा काम अपने बेड पर ही करना चाहते हैं। ऐसे ही आलसी लोगों के लिए बनाया गया है ये बेड चिल। ये एक स्मार्ट टेबल है जिसे बेड पर लगाकर स्टडी से लेकर खाने पीने तक का काम काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। इस बेड चिल में आपको इनबिल्ट स्पीकर, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट से लेकर इसकी हाइट को एडजस्ट करने तक की कई सुविधाएं मिल जाती है। ये बेड चिल बेड पर आपकी लाइफ को काफ़ी आसान बना देगा। और इस टेबल की सबसे खास बात यह है कि इसे बेड से हटाकर एक नॉर्मल टेबल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह है वॉल बेड। ये वॉल बेड स्पेस सेविंग का एक शानदार आइडिया है। ये बेड्स वॉल पर होल्ड करवा कर रखे जाते हैं। इनके पीछे की तरफ एक गद्दा लगा होता है और इन्हें आगे की तरफ से अलमारी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरत के समय इन बेड्स को वॉल से हटाकर ज़मीन पर लगा दिया जाता है। वैसे ये बेड वॉल पर लगे हुए जगह तो बचाते ही हैं, साथ ही घर की सुंदरता को बढ़ाने का काम भी करते हैं और आपको डबल बेनिफिट देते हैं। यह है पैलेट वॉल सीक्रेट डोर। ये एक रिमोट कंट्रोल सीक्रेट डोर है। इसे दूर से देखने पर कोई भी नहीं कह सकता है कि इस वॉल के पीछे एक सीक्रेट डोर भी हो सकता है। ये वॉल किसी को भी चकमा देने के लिए काफ़ी है और इस वॉल में डोर को ओपन करने के लिए किसी भी तरह का हैंडल नहीं दिया गया है। इसी वजह से ये डोर बंद होने पर पूरी तरह से इस वॉल में मैच हो जाता है, जिसके बाद ये कोई भी नहीं कह सकता कि इसके पीछे कोई खुफिया दरवाज़ा भी हो सकता है। यह है स्नैप जैक। ये एक वॉल माउंटेड फर्नीचर है जिसमें एक डाइनिंग टेबल और चार चेयर्स लगी है। सबसे पहले टेबल्स की लेग को ओपन करते हुए इस टेबल को धीरे से फर्श पर उतारा जाता है और टेबल्स के उतारने के बाद वॉल पर लगी चेयर्स को भी एक एक करके उतार लिया जाता है और ऐसे ये पूरी डाइनिंग टेबल तैयार होती है। यह है स्मार्ट स्विमिंग पूल। इस तरह के स्मार्ट स्विमिंग पूल का आइडिया आपके घर की काफ़ी जगह बचा सकता है। ये स्विमिंग पूल इस्तेमाल के बाद फिर से ढका जा सकता है क्योंकि इसके दोनों तरफ रोलिंग डेक लगी होती है, जिसे हल्का सा पुश करने के बाद इस स्विमिंग पूल को ढका जा सकता है। ढकने के बाद इसे आप फर्श की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रोलिंग डेक के ऊपर आप अपने सोफे और टेबल्स को रख के भी काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। यह है कैबिनेट स्टेप टूल। स्पेशली किचन के लिए बनाई गई ये स्टूल किचन में ड्रॉवर की तरह लगी रहती है। जब कभी किचन में ऊपर से कोई सामान उतारना होता है
ये स्टूल दोनों ही साइड में डिप्लॉय की जा सकती है, जिस वजह से ये किचन का ज़्यादातर हिस्सा कवर कर लेती है। किचन में बच्चे भी इसके इस्तेमाल से ऊपर चढ़कर चीज़ें उतार सकते हैं। यह स्टेप टूल आपकी किचन लाइफ को काफ़ी आसान बना सकता है। दोस्तों, आपको इन सभी फर्नीचर में से कौन सा फर्नीचर ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एडवांस लगा, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया है तो जिसे जल्दी से लाइक कर दें, और ऐसे ही नॉलेज से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।